हादसा हुआ इसकी भी मैंने खासतौर पर आज शहबाज साहब से मिलकर हमने प्रॉपर इंक्वायरी कराने की का फैसला किया है कि इसकी इंक्वायरी इसकी तय तक पहुंचा जाए कि वो ट्रक की हालत कैसी थी और वो जिस कंपनी का वो ट्रक था क्या उनकी भी कोई जिम्मेदारी बनती थी कि या नहीं बनती थी। चंद लोगों ने सानिहा बहावलपुर पर सियासत करने की कोशिश की जो नहायत अफसोसनाक है। मामले की तह तक जाएंगे। वजीर आजम नवाज शरीफ की मुतासरीन से गुफ्तगू, जख्मियों को सेहत याबी के बाद नौकरियां देने का भी ऐलान। वजीर आला पंजाब शहबाज शरीफ कहते हैं जख्मियों को तिब्बी इमदाद पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ी। गर्मी में मैयतें रखना मुमकिन नहीं। टैगिंग के बाद जहां बहक अफराद की तदफीन की जा रही है। बहावलपुर और रावलपिंडी में डीएनए के तस्दीक का सिलसिला जारी। जज्बे के साथ मनाई जा रही है। शहर शहर नमाज ईद के छोटे बड़े सैकड़ों इज्तम पुल की तरक्की और सलामती और सानिहात में जाबाह अफराद के लिए खसूसी दुआएं। आर्मी चीफ ने ईद लाइन ऑफ कंट्रोल पर मनाई। आर्मी चीफ ने फ्रंट लाइन पर तैनात जवानों के हमरा नमाज ईद अदा की। आईएसपीआर के मुताबिक जनरल बाजवा ने एलओसी पर तैनात जवानों के जज्बे की तारीफ की। सुहेल अमान ने भी ईद का दिन ऑपरेशनल बेस में जवानों के साथ गुजारा। कहते हैं पाकिस्तान की सालमियत अव्वलीन तरजीह है, किसी भी किस्म की मुहिम जोही का भरपूर जवाब दिया जाएगा। दूसरों की हिफाजत के लिए अपनी खुशियां कुर्बान करने वाले मुहाफिजों को कौम का सलाम। ईद पर अहलकार घरों से दूर, फराइज की अंजाम दही में मसरूफ। हम अपने घर वालों से दूर, अपने बच्चों से दूर, दूसरों की सिक्योरिटी के लिए, अवाम की सिक्योरिटी के लिए अपनी ड्यूटी पे मौजूद हैं। ईद अपने प्यारों से दूर इसलिए मना रहे हैं ताकि लोगों को अपना तहफ़ दे सके। सानिहा अहमद को शिरकिया में जाबहा अफराद की मैयतें उठने पर इलाके में कोहराम मच गया। नमाज जनाजा में सैकड़ों अफराद की शिरकत। सियासतदानों की अवाम से ईद सादगी से मनाने की अपील। वो मौका है जिसमें हम इतनी ईद की खुशियां तो नहीं मना सकते, लेकिन क्योंकि ये इस्लामी फर्ज है उसके तहत मैं सब कौम को ईद मुबारक कहूंगा। और इस हादसे के बाद ये बेहतर है कि ईद सादगी से मनाई जाए। पूरी कौम की आज नजरें साना बहावलपुर, पारा चनार, क्वेटा, कराची, जहां जहां हमारे भाई बच्चे मस्तूरात लुक्मा अजल हुए हैं, हमारी दुआएं और हमारा दिल। सानिहा बहावलपुर ने कौमी क्रिकेटर्स को भी अफसरदा कर दिया। कप्तान सरफराज अहमद का ईद पर मुतासरीन से यकजहती का इजहार। हाँ देखिए, बिल्कुल बहुत ज़्यादा अफसोसनाक वाकया है और आई थिंक मैं समझता हूँ कि बड़ी खुशी मिली थी, लेकिन उसके बाद ऐसा सानिया हो गया, तो जितने भी लवाइकीन हैं हम उनके साथ उनके दुख में बराबर के शरीक हैं। पारा चनार धमाके के मुतासरीन का ईद पर भी धरना जारी। मुजाहरीन का चेक पोस्टों पर फोर्सेस के साथ साथ मकामी कबायल तंजीम पासदारान के रजाकारों को तैनात करने का मुतालबा। सियासतदानों की ईद भी सियासी। खुर्शीद शाह ने वजीर आजम से एक बार फिर इस्तीफे का मुतालबा कर दिया। कहा जेआईटी और सुप्रीम कोर्ट को मुतनाजे बनाने की कोशिश की गई। आबिद शेर अली बोले जेआईटी वजीर आजम पर कोई इल्जाम साबित नहीं कर सकेगी। वजीर रेलवे ख्वाजा साद रफीक और क्रिकेटर हसन अली ने ईद चाइल्ड वेलफेयर प्रोटेक्शन में बच्चों के साथ मनाई। तकरीब से खिताब में साद रफीक बोले सानिहा बहावलपुर ने कौम को गमजदा कर दिया। पंजाब में बर्न्स यूनिट हर किस्म की सहूलियात से आरास्ता है। सानिहा अहमदपुर शर्किया के असल जिम्मेदार शहबाज शरीफ हैं। हमारे बनाए गए बर्न सेंटर्स बंद ना किए जाते तो झुलसने वालों को लाहौर मुंतकिल करने की जरूरत ना पड़ती। चौधरी शुजात हुसैन की मीडिया से गुफ्तगू। मीठी ईद के मीठे लम्हात को दोबाला करने के लिए केक की खरीदारी। किसी को चॉकलेट केक पसंद तो कोई स्ट्रॉबेरी केक का दीवाना। ये मीठी ईद है, मीठे में केक ना हो
तो मीठे का मजा ही नहीं आता। मैं अपने पापा के साथ यहाँ पे आया हूँ, स्ट्रॉबेरी केक और चॉकलेट केक का ऑर्डर दिया, अपने दोस्तों को भी मैं यही गिफ्ट करूंगा। कराची वाले ईद पर पिकनिक मनाने के लिए सीवियो पहुंच गए। दफा 144 की वजह से शहरी डुबकियां लगाने से महरूम। सखर में बच्चे ईदी लेने के बाद खर्च करने के मिशन पर, पार्कों में खूब झूले लिए। कश्मीर, भारत, बांग्लादेश समेत कई ममालिक में भी आज ईद उल फितर मनाई जा रही है। यूरोप में कहीं आज तो कहीं इतवार को मनाई गई। कुदरत भी ईद पर इस्लामाबाद वालों पर मेहरबान। शहर पर छाए काले बादल बरसने से मौसम खुशगवार हो गया। महकमा मौसमियात ने ईद तातीलात के दौरान दीगर इलाकों में भी बारिशों की नवीद सुना दी।